उत्तरार्ध में एक बहुत बड़ी घटना कला जगत में हुई और यह विश्व स्तर पर घटित हुई, जहां इस सदी के पूर्वार्ध तक कला जगत में शास्त्रीयता का वर्चस्व था, वहां पिछले लगभग 40-50 वर्षों में जन कलाओं ने अपने आप को इतनी सशक्त विधा के तौर पर पेश किया कि शास्त्रीय कलाओं के मर्मज्ञों को भी हतप्रभ रह जाना पड़ा। जन कलाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है सामुदायिकता या सामूहिकता, जो उसके गायन वादन में विशेष रूप से देखी जा सकती है। आज हमारे बीच, हमारे सौभाग्य से, इस देश की बहुत बड़ी प्रतिभा सुश्री तीजन बाई उपस्थित हैं। हम उनसे न सिर्फ उनके जीवन के कुछ अंतरंग अनुभव जानेंगे, उनकी कला के बारे में बातचीत उनसे करेंगे, बल्कि उनकी कला का संक्षिप्त प्रदर्शन भी यहाँ देखेंगे। हमारे साथ और तीजन बाई के साक्षात्कार के साक्षी और गवाह के तौर पर हमारे कुछ अच्छे बेहतरीन कलाकर्मी इस क्षेत्र के यहाँ आए हुए हैं, वे उपस्थित हैं, वे भी इस सारे साक्षात्कार के अनुभव में सम्मिलित होंगे। तो मैं तीजन बाई जी से संबोधित होना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं तीजन बाई जी से यह बात जानना चाहूँगा कि आप जनता के सामने कब से ये कार्यक्रम कर रही हैं, कितने उम्र से ये कार्यक्रम कर रही हैं? मैं जनता के बीच में कार्यक्रम 13 वर्ष से कर रही हूँ। 13 साल से, उससे पहले आप सीख रही थी या? मैं तो सिर्फ सीखी 1 महीना मेरे अच्छा। नाना के पास से। अच्छा। 1 महीना के बाद गाती है करके मुझे घर से बाहर निकाल दिए। तो एक ठो गांव चनखुरी नाव के गांव है, मतलब अपने गांव से 10 किलोमीटर, वहां जाके मैंने सीखी। अच्छा, किससे सीखा आपने? नाना के पास से, और तबला पेटी ढोलक रागी चनखुरी गांव से मिली। चनखुरी गांव जी। हाँ, आप बता रही थी कि आप अभ्यास करती थी, तो कहाँ, वो कहीं छुप के अभ्यास करती थी? हाँ, ये ऐसा है कि जब पहले मैं शुरुआत करने लगी तो लोगों यहाँ से बात करते थे कि भाई हमारे लड़की के साथ आप बात नहीं करना, हमारे घर में ज्यादा नहीं आना, क्योंकि आप हमारे लड़की को इसी तरीका आपके तरह गवाह बजा के बर्बाद कर डालोगे। हमारी माँ तो इतना जोर के डांटती थी, झाड़ू लेके दौड़ती थी और खूब मारती थी, क्योंकि ये चीज गा गा के ना जाने जाए
हमारे घर परिवार को बर्बाद कर डालोगी, नाक कटवाओगी, चूना लगवाओगी। अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम्हारी बहन लोगों की शादी कौन करेंगे। तो इस तरीका माँ ने तो मारते मारते बताया कि पूरे हालत गंभीर कर दी थी। अंत में लोग कहते थे कि खाना खाएगी तो गाना गाएगी और खाना नहीं खाएगी तो गाना कहाँ से गाएगी। अरे खाना ना खिलाने के पहले घर में ताला लगा दो। ताला लगा देती थी मेरी माँ और तालाब जाती थी। वह समय मैं क्या करती थी, भूखे तो मरती, मतलब दरवाजा खोल के अंदर में घुस के खाना खा के धो मांज के बराबर करके फिर वहाँ से निकल जाती। अब दिन भर के लिए 10 बजे मैं खाना खाती, दिन भर के लिए फुर्सत। मेरी माँ के दिल में दया आती तो बोलती दिन भर खाना नहीं खाई है और उसके पिताजी भी कहेंगे नहीं खिलाई पिलाई और मर गए तो इन लोगों को क्या जाएगा। वो फिर कहती आ खा ले, मैं कहूँ दोबारा खाना मिलता था मेरे को। अब दो दफ़ा खाती थी फिर भी मेरी माँ मतलब आराम करने के वक्त हाथ जोड़ती थी, बेटी मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ। तो मैं माँ से बोलती माँ तुम्हारी बार बार मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे गाना है और जीवन भर गाऊंगी। अच्छा ये बताइए, अब तो आपकी बहुत ख्याति हुई, प्रतिष्ठा मिली, आपको सम्मान मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप विदेश भी गई, तो अब आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? आपके मेरे परिवार में वो खूबी है तो उन तो प्रेम के साथ चाहते हैं। और जो पड़ोसीन थे वो घूर के देखती थी और मेरे को देखने के बाद घूंघट को ऐसा कर लेती थी ना, वो आदमी कहते हैं कि हमारी भी लड़की को सिखा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका आपके घर में अब कुछ नया परिवर्तन हुआ, मतलब अब तो देखिए आप विदेश भी हुआ ही, तो कोई आपकी आर्थिक स्थिति में घर के रहन सहन में कुछ नयापन आया, कुछ सुधार हुआ? अब ऐसे हैं, बाहर जाने के पहले जब विदेश जाने लगी फ्रांस, तो मेरी छोटी छोटी बहन है, मेरी माँ थी, उन लोग मतलब दूसरे घर में रहते, मैं दूसरे घर में रहती थी। और जब सामान लेके दरवाजा में खड़ी हुई, क्योंकि वही घुसा में सब लोग तो कम मतलब बोलते थे, किसी के मन में अच्छे बोलने का मन लगता था, कोई चुप रहते थे। तो जब मैं विदेश जाने का मौका मिला तो मेरे को लेने के लिए तैयार हो गए और सही सामान जुड़ा गए। जब निकलने लगी तो सामने में दरवाजा के सामने में वो गोबर से लिपा हुआ चौक पूरा और क्या पीढ़ा कहते हैं वो रखे हैं और हाथ में आरती ले और फूल और चावल लेकर मेरी बहन खड़ी थी। तो मैं देखकर चुप रह गई, ये क्या कर रही है। तो दीदी हम लोग विदेश जा रही हो तो हम लोग आपको आरती लेके चावल आपके माथे में डालेंगे। तो बोले ठीक है भाई। मैं तो सोचती थी कि ऐसा भी करने वाला नहीं मिलेंगे, पर आज पहला बार मिले। इस तरीका विदा किया। जब वो बाहर से आई तो जिसे जैसा बन पड़ा इस तरीका इकट्ठा करके बेचारे लोग भेंट में दिए हमको। आपके घर में कुछ जानवर आनवर कुछ पाले हैं? गाय भैंस? गाय है, पहले बकरी भी थी और अच्छा। बकरी सब खत्म हो गई। घर तो कैसा है आपका, वो देहात के घर पक्का है कि कच्चा है अभी? नहीं नहीं कच्चा है, कच्चा है, मिट्टी की है और खपरा है, पहले खदर थी। अच्छा, घास तो आप तो जब विदेश गई होंगी तो बहुत अच्छे अच्छे कमरों में ठहरी होंगी, है ना? नहीं, तो जब आप गांव जाती हैं तो फिर कैसा लगता है आपको? मेरे को वही मकाम, बड़े बड़े मकाम मिलती है। अच्छा। तो भाई वो तो चंद्रोजी समय के लिए है और वो फूटा टूटा मिट्टी का मकाम है अच्छा लगता है। अच्छा, हम चाहेंगे तीजन जी कि आप कुछ हमें थोड़ा सा वो हिस्सा पहले दिखाएं जो आपने सबसे पहले जीवन में सीखा हो। शुरू में उसकी कहानी बहुत लंबी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा कुछ। मेरे नाना जी ने जब मेरे को सिखाने के लिए तैयारी किया, उस वक्त तो मेरी नानी ने किट 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 करती थी, मेरे साथ बात कर देते तो वो चिल्लाने लगती थी इधर आ झाड़ू बना, तो बोलता हाँ हाँ बनाऊंगा, फिर दो लाइन बताता तो मेरी नानी फिर चिल्लाने लगती, अरे क्या कर रहे हो खाना खाओ ना, तो बोलता ठहर मैं बाद में खाऊंगा। इस तरीका बताते 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 बेचारा सारी कहानी की स्टोरी मुझे सुना रहे थे। लोग कहते थे कि इसको क्या सिखा दे, तो तेरे को शर्म आना चाहिए बुढ़ा, जवान लड़की को बिठा के और कहानी बता रहे हैं।
अरे कहानी बताए बेचारी बर्बाद हो जाएगी, और इसको भी नहीं करना चाहिए ये बुढ़े के साथ 24 घंटा बैठना। अब ऐसे कर करके सब इतना चिढ़ाते थे, इतना चिढ़ाते थे, सारी स्टोरी मैंने सीख लेती। घर में गुनगुनाती तो माँ मारती, गली में कोई बोल देती तो सब लड़कियाँ ठटका मार के हंसती, इसको तो कोई परेत रस गए इसलिए वो बड़बड़ाती जाती है। मेरे दिमाग में वही घुसने लगा कि कोई तो मुझे अच्छा काम करने नहीं देगा, तो मैंने झोंड़ी उठाती और माँ से बोलती, माँ गोबर गोबर के लिए जा रही हूँ। तो माँ बोलती, हाँ हाँ ठीक है, गोबर के लिए जा रही हूँ करके बोलने से मेरी माँ बोलती, हाँ हाँ ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा गोबर बिन के आए, मैं बोला ठीक है। जब चली जाती तो मैं चारों तरफ देखती घूम घाम के, बोले कि कोई आदमी नहीं है। नाले बहते थे ना तो वहाँ अंदर तो गहरा रहते थे, बीच में झाड़ लगी रहते। मैं बोले कि अब यहाँ कोई नहीं देखेंगे। चारों तरफ देख लेने के बाद मैं बोलती अब कोई नहीं देखेंगे कर, फिर शुरू करती ऐसा भीमसेन करता है। हाँ, तो वही जो आप शुरू करती थी वहाँ। तो इस चीज को मैंने नाला खेत खार में वो सारा एक्शन और स्टोरी चलने का ढंग ये सारी चीज को मैंने बाहर में सीखती। कोई अचानक देख लेते तो बोलते दौड़ के जाके अपने माँ, हमारी माँ से बोलते तुम्हारी बेटी ना जाने जाए वो कोई टोना जादू सीख रही है। तो क्या करूँ, पागल तो मैं खुद ही थी। 12 बजे रात को कहीं बंसी की आवाज़ सुनती तो मैं निकल जाती और ढूंढती कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कहीं हुआ तो प्रोग्राम नहीं होता था। मेरे कान में वही आवाज़ आती थी कि कहीं बंसी इधर बज रही, इधर बज रही। इनके मारे मैं पागल की तरह थी, और वही उन्हीं के वास्ते बोलते थे कि ये बहुत गंदी लड़की है, बड़े रात रात को घूमती है, बहुत इनके साथ में अपने बेटी को बातें नहीं करने दें। यहाँ तक बात ना करते थे कि मैं तालाब में जाती थी गुंडी लेके, तो किसी औरत को बोलती मेरे को गुंडी उठा दो ना, मैं अपने पानी लेके चलूंगी, तो बोलता है आपके हाथ साथ में हाथ ही नहीं लगाना, अपना गुंडू उठा के चले जाते थे। अब तो देखिए आपके थोड़ी सी बातें हमने जान ली, और हम चाहते हैं कि आप ये हम लोगों को जरूर थोड़ा सा हिस्सा सुनाएं जो आपने उस वक्त जिसका अभ्यास किया होगा। बोल वृंदावन हरि लाल की जय, वृंदावन जी मोर दिल में बिहारे भये, वृंदावन जी मोर दिल में बिहारे भये, हरि मोहना मोरा रे बाबा रे माता भामा मोहन जावा कबर मगर देश के राजा जरा सन 20,000 राजा लेकर घर में धंधे है तो राजस्व यज्ञ के न्योता में कौन भाग लेके यहाँ हाँ? जब तक ले जरा संग मारा ना जाएगी तब तक ले तो राजस्व यज्ञ का दाप नहीं हो। अच्छा ये बात ले सुन के धर्मराज वो तो बैठ के उदास श्री कृष्ण जी कहे धर्मराज मोर में तोर भाई मन में बहुते आस
के है काबर। हाँ? मैं सिर्फ भक्त के रक्षाकारी जन। अच्छा, जरा साथ मोर साथ लड़े और मन ही मन कहे है कन्हैया एक बखत तो तोला हरा डरते हो। हाँ? ताकि मोर आत्मा में शांति मिलती, एक दफा तो हरा डरते हो। अरे वो कर आत्मा के पुकार ला सुन के मोला पीठ दिखा के भागे ला पड़ी। हाँ? अर्जुन और भीम के पास में ये काम नहीं है जो नहीं पीठ ला दिखा के भागा। अच्छा, तो धर्मराज कहते तब ठीक है, अर्जुन ला ले जा और गदाधारी भीम से ला, भगवान खुश हो गए। क्या क्या जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत और नदी नाला पार करत बहुत सुंदर मगध देश में पहुंची इस समय भैया। हाँ? भीम कहते जल्दी चलो नहीं तो ईमान से मोर हाथ खजवावा थे जरा सल्ला मारे भर। हाँ? कन्हैया कथे पूछ पूछा रेती वती गोट लझन गोठिया। अरे जरा सुन के मुटका पर ही केक लेकर दे दे, फोकट के बड़ाई मारत अच्छा नहीं बने। हाँ? पर ऐसा भेस में नहीं जान भैया। कैसे पावा लगे खड़ंगा पहरे रंग का भदौवा ब्राह्मण गले गटर माला माथा चंदन घी से हाथ में कमंडला जावे मनावत पहुंची राजा जरासन मंत्री ले आदेश दे दिन जा भैया कुछ दान पुण्य कर दे ब्राह्मण तो उतर आए। हाँ? अब बेचारा लेके थाली लो महाराज ये तीनों मूर्ति देखकर तो मुझे ऐसे लगे कि कोई नर नारायण आए। हाँ? पर आप मेरे हाथ से ले लिए। नहीं भैया नहीं, हम लोग मंत्री के पास दान लेके आस लगा के नहीं आए, हो सके तो आपके राजा भेजो ताकि हम उन्हीं से दान ले ले। हाँ? घुसक मारे मंत्री पहुंच गए और राजा साहब ने बोले महाराज आप ही ले जाओ ये सोना चांदी के थाली और वो तीनों देवता को। तीनों देवता के बात सुनने वाले जरा संत राजा दौड़ पड़े। हाँ? और हे विप्र देव आओ देवता का अंदर आओ महाराज आपन दरवाजा में आओ देवता का चले आओ सुंदरी आसन में बैठवना ये तो ऐसा अनुभव है जिसके बारे में कुछ कहना या जिसको भाषा में बयान करना जरा मुश्किल काम होता है। एक बात बताइए तीजी जी, आप इसका ये जो एक तारा है इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये एक तारा आप किसने बना के दिया या किससे आपने बनवाया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ढंग का लगता है। ऐसे है कि मेरे नाना के पास में एक तारा और करताल थी। मेरे नाना ने जब सिखाते थे तो मेरे को बोलते थे कि एक तारा बजा, तो मैं एक तारा जब बजाती तो इधर करताल भूल जाती और करताल बजाती थी, एक तारा भूल जाती। एक दिन विचार धार करके मैं घर से जाके मेरे नाना से कहने लगी नाना यदि एक तारा को हम लोग तीन तार बनाए तो नाना बोले यार एक तार नहीं मिलेंगे बेटी, एक तो जोड़ जाड़ के मैंने तार बनाया हूँ। मैं बोले ठीक है, मैं रायपुर हर वक्त झाड़ू बेचने जाती हूँ और झाड़ू जब बीत जाएंगे कुछ पैसा मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तार ले लूँगी। तो जगह जगह मैं ढूंढी तार, गोल बाजार में मुझे तार मिला और वो भी मिला तो कहीं खूटी जैसे मैं अरोई हुई थी। मैं उससे पूछने लगी कि तार की कीमत कितना, तो उन लोग बोलने लगे चार आना। कहने से मैं 2 रुपए की तार लाई। लाने के बाद शाम को आगे जब जलाती हूँ खाना पकाने के वक्त, तो वह समय हंसिया मतलब सब्जी पहलने के लिए हमारे तरफ हंसिया कहते हैं, वो हंसिया को गर्म की और ऐसे डंठी को मतलब मैंने छेदा कर ली दो ठोर अगल बगल में करके या इसी तरीका, और छेद के ना थोड़ा से लकड़ी के खूंटी बना के और उसमें डाल दी, डाल के वो तार को मतलब फंसा के उसमें लगाई, लगा कर मतलब फिर कहने लगे कि तीन तार को आप कैसे बजाएगी, तो मैंने सुजारी तैयार की। हाँ, ये सुजारी तैयार करके
और मेरे नाना से कहने लगी इस तरीका बजाया जाए तो अच्छा होगा करके, फिर मैंने खुद ही अपने हाथ से ये किया। एक बात बताइए, आपने दो तीन बार अभी जिक्र किया झाड़ू और झाड़ू का खासतौर से, क्या इसका कोई आपके यहाँ काम होता था? देखिए मैं आदिवासी जात हूँ, मुझे हम लोग हमारे तरफ शिकारी कहते हैं, पारधी भी कहते हैं, हम लोग चिड़िया मारने वाले जात हैं। तो आज भी आप लोगों के यहाँ ये होता है कि अब नहीं होता? मैं तो अपने जब से मैं जानने के लायक हुई हूँ तब से मैं किसानी धंधा में लग गई, ये चिड़िया मारने का काम मुझे मालूम नहीं, बेचती थी, मेरे पिताजी ने मार के लाते थे तो बेचने का काम तो जानती थी। मार के ही या जिंदा भी बेची? नहीं जिंदा बेचा जाता है, हम लोगों में मार के नहीं लाते हैं, जिंदा लाते हैं। अच्छा पकड़ के? हाँ, पकड़ के मतलब जाल में पकड़ के और उसको लाया जाता तो है। अभी आपके यहाँ कौन कौन लोग ये काम करते हैं? ये काम मेरे भाई, मेरे छोटा वाला भाई करता है, अभी तक करता है, अभी तक मेरे बहन दामाद करता है। अच्छा, और अच्छा आपके साथ ये जो कलाकार लोग हैं ये भी वहीं के हैं या आपने? नहीं पेटी मास्टर तो मेरे मिस्टर है। अच्छा। और वो बेंजो मास्टर मेरे देवर है। अच्छा, वो अच्छा। अब सोचो हम लोग दोनों मिल के दो गांव के हैं। अच्छा। मैं गनियारी भी में मेरी जमीन है और अब तो ससुरार में तो जमीन ही जमीन है। अच्छा। ना तो ये रहते हैं मतलब इन तीनों बिलौदी रहते हैं। हाँ। ये तीनों मिल के रागी के साथ और हमारे मिस्टर हमारे देवर जी। हाँ। और मैं भी कुछ आधा बिलौदी की हूँ। अच्छा, ये जो आपने सुंदर से जेवर पहने हुए हैं ये आपके मिस्टर ने दिए कि आपने खुद खरीदे? नहीं वो तो खुद ही खरीदा है। खुद खरीदा है? मैं तो साड़ी भी मैं तो ब्लाउज भी नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे को हिसाब किताब नहीं आती ना, मैं ब्लाउज भी नहीं खरीद सकती। अच्छा, विदेश जब आप गई तो वहाँ पर और कुछ कलाकारों से आपकी भेंट हुई होगी? जी हाँ। और यहाँ भी अब आपकी और कलाकारों से भेंट होती होगी, आपको कौन अच्छे लगते हैं, कोई कलाकार पसंद आए इस देश में विदेश में? देखिए कलाकार तो सभी एक ही सरस्वती माँ के पुजारी हैं हम, बहुत अच्छा है ना, और एक ही कुंड से हम लोग मतलब जन्म लिए हैं। सरस्वती के पास के जो कुंड है उसका चीज है, उसको कितनों भी लुटाओ कितनों लुटाओ कितनों लुटाओ वो भंडार कभी खाली नहीं होती। इतने थोड़े से समय में बहुत कम ही बातें हम लोग जान सकते थे, इच्छा तो ये होती कि बहुत लंबी बातचीत होती, लेकिन अब हम चाहेंगे कि चलते चलते एक आपका हम और अनुभव उठा लें आपकी रचना का जी। तो एक कोई रचना आप और अगर प्रस्तुत कर दें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। देवी चली अकेली हाथा के वरवाला वनाई डड़े पर मने गले में वरमाला या खेल मते हगा मने दोनों के ता देवा होई जावे बा तो लेके वरमाला ये हिलमती भीमसेन के गले में डाले अनेक प्रकार मंगलाचार मनाए और जय जयकार के डंका बच्चा रो और गुंगे ले लगे है वापाए। बोल गोविंदा वन बिहारी लाल की जय।